हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विशालिक में। तो दोस्तों, फाइनली आरआरसी एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है और यहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, फाइनली आरआरसी एससीआर सिकंदराबाद ने अपना ग्रुप डी का पहला और बहुत बड़ा पैनल जारी कर दिया है। और वहीं पर बात करें तो पैनल में साथ ही साथ जो है कैंडिडेट्स को पोस्ट अलॉटमेंट भी हो चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है और किस कैंडिडेट्स को कौन सी पोस्ट अलॉट की गई। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड के पल पल के अपडेट्स के लिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि सबसे पहले ये अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल रही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी शाम के 7:39 का वक्त हमने आरआरसी सिकंदराबाद के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा। जब यहाँ पर देखोगे, देखिए फाइनल रिजल्ट ऑफ CNRRC 01/2019 पार्ट वन पैनल यहाँ पर जारी कर दिया गया। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये रही पीडीएफ, आज ही के दिन 21 तारीख को अपडेट दी गई आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से। बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स ऑफ CNRRC 01/2019 लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ दे रखा है कि आपका CBT कब से कब तक चला था, PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन कब से कब तक चला है, सब दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है PWBD कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल 71 कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंपैनल किया गया है। पोस्ट इनको दी गई है असिस्टेंट वर्कशॉप, इसमें कैटेगरी नंबर 1 में। और केंद्रीय अपना यहाँ पर रोल नंबर देख सकते हैं। देखिए ये जो है नॉन सर्चेबल PDF है, यहाँ पर जो है 22 MB में ये PDF है, तो यहाँ पर जो आप सर्च नहीं कर सकते। इसको जो है पहले आपको सर्चेबल PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद अपना जो है रोल नंबर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर PDF अच्छी खासी बड़ी 39 पेज की PDF यहाँ पर दे रखी है साउथ सेंट्रल रेलवे ने। तो देखिए यहाँ पर जो है पोस्ट कैटेगरी नंबर 3 की बात करें तो कैरियर एंड वैगन में बात करें असिस्टेंट में, तो टोटल जो है यहाँ पर 7 कैंडिडेट्स को इम्पेनल किया गया है। वहीं पर जो है 26 कैंडिडेट्स को कैटेगरी नंबर 1 में भी सिलेक्ट किया गया है PWBD में। अब उसके बाद जो है टोटल अगर बात करें तो इस तरह से आप अपना कैंडिडेट जो है अपना रोल नंबर और अपनी पोस्ट देख सकते हैं। और इसी के बाद जो है यहाँ पर आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट्स का भी इम्पेनल जारी कर दिया। देखिए नॉन PWBD टोटल 7,234 कैंडिडेट्स को यहाँ पर इम्पेनल किया गया है, मतलब कि 7,234 कैंडिडेट्स को नॉर्मल कैंडिडेट्स का भी इम्पेनलमेंट जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट वर्कशॉप में कैटेगरी नंबर 1 में यहाँ पर कैंडिडेट अपना रोल नंबर देख सकते हैं। और दोस्तों यहीं पर अगर बात करें तो कैटेगरी नंबर 3 वगैरह में भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर इम्पेनल कर दिया गया। कैटेगरी नंबर 2 में भी असिस्टेंट ब्रिज में भी नॉर्मल कैंडिडेट्स को इम्पेनल कर दिया गया। अब नॉर्मल कैंडिडेट्स में दोस्तों CCA वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आ जाएंगे, एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट्स भी आ जाएंगे। अब इसी के बाद बात करें तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी कैंडिडेट्स आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे में इस इंपैनल में जिनका भी नाम आया, वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपके मार्क्स कितने थे और आपका जो है फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा था और आपको कौन सी पोस्ट अलॉट की गई है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था, ताकि जो है इससे जो है एक अंदाज़ा लगाया जा सके बाकी कैंडिडेट्स को जो है जो बाकी के आरआरसी जो पैनल देने वाले हैं तो उनसे पता चल सकता है कि मतलब किसको क्या पोस्ट मिल सकती है मेडिकल क्राइटेरिया के हिसाब से। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, इसी तरह से जो अपडेट्स पाने के लिए हमें चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इतने रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय फ्रेंड्स।